जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना। 1960 में रिलीज हुई निर्देशक के आसिफ की फिल्म मुगले आजम का गीत जब प्यार किया तो डरना क्या कानों में पड़ता है तो उसकी भव्यता आंखों के सामने छा जाती है। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आलीशान सेट से लेकर दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर और मधुबाला जैसे कलाकारों की प्रदर्शनी इस गाने की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। लता मंगेशकर के सुरों का जादू आज भी इस गीत को सुनने पर मजबूर करता है। इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या। लेकिन इस गाने को इतना मधुर और सुंदर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो थे नौशाद अली साहब। नौशाद अली को अगर भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत का उस्ताद कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। छह दशक से भी ज्यादा उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक से एक बेहतरीन संगीत दिए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके साज का जादू हमेशा ही फिल्मों के गीतों पर चलता था। उनके गीतों में क्लासिक और लोक संगीत का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता था, जो कि पुरानी और आज की पीढ़ी दोनों को ही खूब लुभाता है। बैजू बावरा जैसी म्यूजिकल फिल्म से लेकर नौशाद अली साहब ने आन, मदर इंडिया, मेरे महबूब, अमर, दुलारी समेत करीब 65 से ज्यादा फिल्मों में बेहतरीन संगीत देकर कभी लोगों को हंसाया तो कभी रोने को मजबूर कर दिया। आज हम नौशाद अली साहब से जुड़े कुछ सुने कुछ अनसुने किस्से आपसे शेयर कर रहे हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नैन लड़ गए हैं तो मनवा मां कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक। नौशाद अली साहब का जन्म लखनऊ में हुआ। यही वो शहर है जहां से उनके अंदर संगीत के लिए प्रेम जागा। नौशाद साहब का जन्म एक ऐसे मुस्लिम परिवार में हुआ था जिनके ख्याल काफी रूढ़िवादी थे। उनके पिता वाहिद अली एक अदालत में मुंशी का काम करते थे। नौशाद का बचपन में ही संगीत की तरफ झुकाव हो चला था। गाए जागी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर। हालांकि उनके पिता को उनका ये संगीत प्रेम कतई भी भाता नहीं था। आकाशवाणी को दिए एक इंटरव्यू में नौशाद अली साहब ने एक बार अपने उन दिनों को याद किया था जब उनके अब्बा जान उनके संगीत के जुनून का कड़ा विरोध किया करते थे। उन्होंने कहा कि जब मेरी उम्र 10 वर्ष की थी तब से ही राजा इंद्र सिर पर सवार थे। बहरहाल मेरे उस्ताद बनन साहब और लड्डन साहब थे, उन्होंने लखनऊ में ही संगीत सीखा। इसके बाद उस्ताद यूसुफ अली साहब जो कि लखनऊ के सितारनबाज थे उनसे तालीम ली। जैसे ही ठुमरी, दादरा ताल और ख्याल तक पहुंचा तो मेरा ध्यान भटक गया। मैं सोचने लगा कि शायद मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, पता नहीं मैं क्यों ऐसा चाहता हूँ, मेरा दिल कहीं नहीं लगता था। मेरे हारमोनियम और फिर सितार पर प्रैक्टिस करना शुरू किया, लेकिन उस पर भी मेरा मन नहीं लगा। इसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कंपोजिशन ट्यून बनाने की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। ये मामला तब तूल पकड़ता गया जब मेरे वालिद साहब इसके बहुत खिलाफ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये गाना बजाना बिल्कुल बंद कर दो, और इसकी लाइन में जा रहे हो तुमसे कोई शादी तक नहीं करेगा और तुम बिल्कुल पंचायत के बाहर कर दिए जाओगे। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कह दिया कि तुम फैसला करो कि तुम्हें ये घर चाहिए या फिर अपनी मैसिकी संगीत। मैंने उनसे कहा कि घर आपका, आपको मुबारक, और संगीत मेरा मुझे दे दीजिए। ये 1937 की बात है और मैं घर छोड़कर चला आया था। इसे मालूम था तो दिन में सावन बीत जाएगा, सावन भी। नौशाद अली पिता का घर छोड़कर सीधे मुंबई जा पहुंचे थे। यहाँ न तो कोई उन्हें जानता था और ना ही कोई पहचानता था। यहाँ उन्हें कई सालों तक
फुटपाथ पर ही अपना समय गुजारना पड़ा। इस फुटपाथ के सामने एक थिएटर भी था जहां पर मुंबई पहुंचने के कई सालों के बाद पापड़ बेलने के बाद उन्हें अपने संगीत के लिए सम्मान मिला था। ये सम्मान नौशाद अली को उनकी फिल्म बैजू बावरा में शानदार संगीत देने के लिए दिया गया था। उस समय नौशाद साहब ने कहा था कि उस फुटपाथ से इस तरफ आने में 16 साल लग गए मुझे। इस इंटरव्यू के दौरान नौशाद अली साहब ने फिल्म मुगले आजम से जुड़ा वो किस्सा भी शेयर किया था कि कैसे उन्होंने इस फिल्म के एक गाने के लिए शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बिना खाए पिए एक ही कमरे में बिता दिया था। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं। उन्होंने कहा कि मुगले आजम के दौरान आसिफ साहब ने हमसे कहा कि एक सीन ऐसा है और उस पर एक गाना आप बनाइए, गाना ऐसा हो कि इसे लोग याद रखें। मैंने कहा कि ये तो खुदा के हाथ में है कि वैसा गाना बन सकेगा या नहीं, मैं कोशिश पूरी करूंगा। बहरहाल मैंने मुंबई में अपने घर पर गीतकार शकील साहब को बुलाया। छत पर एक कमरा है, यहाँ पर मैं अकेला बैठकर काम करता हूँ। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दोनों बैठ गए। वो कुछ लिख रहे थे, मैं कुछ ट्यून कर रहा था। कभी कुछ तो कभी कुछ कमी रह जाती। कमरे में सारी जगह कागज़ ही कागज़ फैले हुए थे, बस कागज़ वहाँ बिखरते जा रहे थे। न चाय, न पानी, न खाना, न दाना। इतना टाइम हो चुका था, ये न मुझे मालूम था न उन्हें मालूम था। काफ़ी देर के बाद जाकर हमने सांस ली, फिर बात बनी। वो गाना था कि प्यार किया तो डरना गया। ये गाना लिखकर जब हम बाहर निकले तो पता चला कि सुबह के 6 बज चुके हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं। नौशाद साहब ने अपने दौर के उस समय के एक से एक बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, फिर वो चाहे रफी साहब हो या लता मंगेशकर। नौशाद साहब के लिए हर कोई गाने को तैयार रहता था। बताया जाता है कि नौशाद साहब के निर्देशन में किशोर कुमार ने भी गाना गाया था, लेकिन सिर्फ एक। ये गाना था फिल्म सुनहरा संसार का हेलो हेलो क्या हाल है। हेलो हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा ये सा। इस गाने को किशोर कुमार संग आशा भोसले ने अपनी आवाज दी थी। गाना तो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जब ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई तब इसके गाने को हटा दिया गया था। किशोर कुमार ने नौशाद से फिल्म में उनके द्वारा गाए गए गाने के न होने की वजह पूछी तो नौशाद साहब ने बताया कि गाना इसलिए नहीं था फिल्म में क्योंकि फिल्म के निर्देशक A.S. राव ने इस गाने की शूटिंग ही नहीं की थी। ये बात किशोर कुमार को बहुत बुरी लगी। यही वजह मानी जाती है कि उन्होंने कभी फिर नौशाद अली के साथ काम नहीं किया। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला। अलबत्ता हिंदी सिनेमा जगत के महान गायक और अभिनेता KL सहगल यानी कुंदन लाल सहगल को उनकी आवाज़ और फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के लिए आज भी याद किया जाता है। उनके गाए हुए गाने एक बंगला बने न्यारा, जब दिल ही टूट गया और भी कई गाने हैं जो आज भी संगीत प्रेमियों को याद हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ से भी लाखों लोगों का दिल जीता था। किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गज KL सहगल को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन उनके बारे में एक बात कही जाती थी कि सहगल बिना शराब पिए गाना नहीं गाते थे। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा। इसके बाद संगीतकार नौशाद ने फिल्म सहजादा में उनसे बिना पिए गाना गवाया था। सहगल ने नौशाद के कहने पर गा तो दिया, लेकिन फिर जिद की कि वही गाना वो शराब पी कर गाएंगे। बाद में जब दोनों गाने के सुर मिलाए गए तो बिना शराब पिए जो गाना गाया था वो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद सहगल ने नौशाद से कहा कि आप मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो गई है। हमसे हम है तुम पर मरने वालों में हमारा नाम। बता दें कि नौशाद साहब बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट थे। बताया जाता है कि एक बार जब मन तड़पत हरि दर्शन के गाने में मोहम्मद रफ़ी कुछ संस्कृत के शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे तो नौशाद ने तुरंत ही बनारस से संस्कृत
पंडितों को बुलावा भेज दिया। उन्होंने रफी को सही उच्चारण में बहुत मदद की। तब कहीं जाकर कई बार रिहर्सल के बाद नौशाद ने फाइनल रिकॉर्डिंग की मंजूरी दी। मन तरपत हरि दर शयन को। इसी का नतीजा था कि ये गाना आज भी दुनिया भर के मंदिरों में गाया और सुना जाता है। नौशाद के परिवार वाले हिंदी फिल्मों और संगीत के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए ये काम बुरा और बेहद खराब था। जब नौशाद की शादी तय की गई तब उनके ससुराल वालों से भी ये बात यही सोचकर छिपाई गई कि संगीत को गाना बनाने और बजाने को बुरा काम माना जाता है। तब तक रतन फिल्मों में नौशाद के कंपोजिशन किए हुए गाने भारत भर में मशहूर हो चुके थे। फिर हो जाने वाले बाल उस समय संगीत से जुड़े काम को इतना खराब माना जाता था कि नौशाद के ससुराल वालों को ये बताया गया कि वो पेशे से एक दर्जी हैं, यानी एक टेलर हैं। दिलचस्प बात यह है कि नौशाद की खुद की बारात में उन्हीं का ही कंपोज किया हुआ गाना बज रहा था और वहां किसी को मालूम नहीं था कि इसे नौशाद ने ही बनाया है। बताया जाता है कि बड़े ही भोले बनकर नौशाद ने अपनी शादी में मेहमानों से पूछा था कि उन्हें ये गाना और धुन कैसी लगी और ज़्यादातर लोगों ने गाने की बेइंतहा तारीफ की थी। नौशाद अली ने 65 बॉलीवुड फिल्मों के लिए म्यूजिक दिए थे। इन फिल्मों में से 35 सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली रही। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दिनों में नौशाद हारमोनियम रिपेयरिंग का काम करते थे। ये नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बाबरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग जैसी न जाने कितनी फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। दीदार के गीत, बचपन के दिन भुला न देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ले जा मेरी दुआएं ले जा, परदेश जाने वाले आदि की बदौलत फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद तो नौशाद की लोकप्रियता में खासा इजाफा हुआ। बैजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1982 में फाल्के अवार्ड, 1984 में लता अलंकरण और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। बता दें कि नौशाद की मृत्यु 5 मई 2006 को मुंबई में हुई थी। हिंदी फिल्मों में उनके सहयोग को, उनके योगदान को कभी भी नहीं भूला जा सकता। उम्मीद करते हैं कि उनकी ये कहानी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।